Good morning friends, welcome again in the next session related to the health and disease. हमने कल प्रोटोजोन डिसीज़ को स्टार्ट किए थे और प्रोटोजोन डिसीज़ में मलेरिया नाम का डिसीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्लाज्मोडियम एक मेन कॉजेटिव फैक्टर करके, कॉजेटिव एजेंट करके या फिर पैथोजन करके हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था कि पैरासिटोलॉजी नाम के ब्रांच को कंसिडर करते हुए हमको इस टॉपिक को स्टडी करना है, तो जिसमें हम किसी भी पैथोजन या फिर पैरासाइट के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें से जितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस रहेंगे उन स्टेजेस में से हम कॉजेटिव स्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम के लिए जो कल हमने कॉजेटिव स्टेज निकाले थे वो कौन सा था बेटा? वो था स्पोरोजाइट. ठीक है, तो हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसको हम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कंसिडर करेंगे और दूसरा जो डेफिनेटिव होस्ट होता है जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं. तो जो पार्शियल लाइफ साइकिल है वो हमने कल डिस्कस किए थे कि वो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मॉस्किटो बॉडी की हेल्प लेके, उसका सपोर्ट लेके वो कंप्लीट करता है और फिर स्पोरोजाइट बनने के बाद में उस स्पोरोजाइट को उस इन्फेक्टेड मारो मॉस्किटो से फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनके माउथ पार्ट्स कैसे थे? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. और बाकी मैंने बताया था कि जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होंगे तब आप देखोगे वहाँ पे प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ऐसे दो अलग अलग स्टेजेस में उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट किया जाता है. प्री एरिथ्रोसाइटिक था लीवर में और लीवर सेल को डैमेज करने के बाद में जैसे ही वो नॉर्मल सर्कुलेशन में आएंगे तो फिर वो टारगेट करते हैं आरबीसीज को. RBCs में उनका सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बताया था मल्टीपल फिशन की प्रोसेस होती है और एक सेल को डैमेज करने के बाद में मल्टीपल मीरोजॉइट जो है वो कहीं ना कहीं उन सेल्स में टारगेट करते हैं. तो नंबर ऑफ RBCs को टारगेट करने के लिए नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनमें से ही कुछ जो है वो गैमेटोसाइट करके सेल करके डेवलप्ड होते हैं. तो फिर वो नॉर्मल सर्कुलेशन में सुपरफिशियल लाइनिंग में प्रेजेंट रहेंगे. जब कोई नेक्स्ट मॉस्किटो इन द सेंस व्हाट इट इज़ ओनली द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स भी नहीं होगा, उसके लाइफ साइकिल में कोई कंप्लीशन नहीं दे सकता है, या फिर एडिस नाम का मॉस्किटो भी अगर आपको बाइट करता है तो मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल को वो सपोर्ट नहीं करेगा. तो इस तरीके से हमने ओवरऑल लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किए थे. आज हमको मलेरिया से रिलेटेड थोड़ा सा आगे चलना है. चार अलग अलग स्पेसीज के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था, एक वाइवेक्स होता है, एक ओवेल होता है, एक मलेरिया होता है और एक फाल्सीपैरम होता है. इसमें से जो फाल्सीपैरम नाम का जो स्पेसीज है वो सबसे सीवियर मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट में आता है, सबसे डेंजरस है. ठीक है, उसके जो सिम्टम्स है उनका जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी ये स्प्रेडिंग हमारे ब्रेन तक चला जाता है, इसीलिए उसको सेरेब्रल मलेरिया करके भी नाम दिया जाता है. तो आज हमको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कंटिन्यू करना है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सिम्टम्स. तो मैंने आपको कल एक चीज़ और बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ दैट पैथोजन इनटू द बॉडी एंड अपियरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम. तो उस पैथोजन के एंट्री से लेके सिम्टम अपियर होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होंगे और नॉर्मली एवरेज लेवल पर अगर कंसिडर करेंगे तो इट रिक्वायर नियर अबाउट 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन. ठीक है, तो समझ लीजिए कि कम से कम 14 दिन के बाद में उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है. जैसे ही ये सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा हमको यहाँ पे कुछ इंडिकेटिव साइंस मिलेंगे. तो उसमें क्या होता है साइन, तो वो हमको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करना है. सबसे पहला साइन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि द अटैक ऑफ प्लाज्मोडियम और द डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई फीवर. ये फीवर अगर हम कंसिडर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 104 फारेनहाइट से लेके 106 फारेनहाइट तक हो सकता है. ठीक है, तो आप देखेंगे ये मैक्सिमम रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 100 के ऊपर स्टार्ट होता है और वो फीवर कंडीशन कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है. तो वो पर्टिकुलर कंडीशन कब तक बढ़ते जाएगा, तो वो जनरली 2 या 3 दिन तक या फिर 72 आवर्स तक के नियर अबाउट वो बढ़ते जाता है. कभी 48 आवर्स से स्टार्ट कीजिए तो 72 आवर्स तक ही कंटिन्यूसली फीवर जो है वो हायर होते जाता है. दूसरा सिम्टम हम यहाँ से कंसिडर करेंगे तो इसमें हम नॉर्मली देखते हैं वो है जॉइंट पेन, या फिर जिसको हम लिखेंगे बॉडी पेन. ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम है जो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है. तीसरा अगर सिम्टम हम कंसिडर करेंगे तो तीसरे सिम्टम में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इट इज द हेडेक.
ठीक है, अगर कंसिडर करो कि ये मलेरियल इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है या फिर हमारे ब्रेन को टारगेट करने का काम करता है, न्यूरॉन्स को टारगेट करने का काम करता है, तो हेडेक भी जनरेट हो सकता है। ये कुछ जनरलाइज सिम्टम आप लोगों को दिखना है। और एक चीज़ आपने अगर कभी फेस किए होंगे, जब भी किसी पर्सन को मलेरिया हुआ ऐसा पता लगता है तो हम सबसे पहले एक चीज़ को जनरेट करते हैं, वो है चील। ठीक है, इसको लिखेंगे हम शिवरिंग। तो बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट होती है और शिवरिंग स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है तो थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट की जाती है, टेम्परेचर को मैनेज मैनिपुलेट या फिर मैनेज करने का काम किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ठंड लग के किसी भी पर्सन को फीवर होता है उसको हम मलेरिया करके इंडिकेट करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटिव मेजर विच इज इंडिकेटिंग द मलेरियल कंडीशन। तो हाई फीवर विथ चिल और शिवरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम देयर। तो यहाँ पे जॉइंट पेन या फिर बॉडी पेन भी इंडिकेट कर सकते हैं, हेडेक भी इंडिकेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों में अगर हम देखेंगे जिनका इन्फेक्शन थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में चला जाता है, उनमें आपको और एक सिम्टम भी दिख सकता है, इसको लिखेंगे हम स्प्लेनोमेगाली। आपने स्प्लीन का नाम सुने होंगे, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का वो एक कंपोनेंट है, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एनहांस करना पड़ता है, और जब हमको रिस्पॉन्स एनहांस करना है तो बॉडी पार्ट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। तो जब बॉडी पार्ट एक्सटेंड होता है तो थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन आता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, एग्रीगेटेड मास बढ़ जाता है वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, स्प्लीनोमेगाली विल इंडिकेटिंग द एनलार्ज स्प्लीन। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो जिस किसी पर्सन में स्प्लीन का साइज थोड़ा सा एनलार्ज होते हुए दिखता है उसको स्प्लेनोमेगाली कहा जाता है। बहुत सारे लोगों में ये भी एक सिम्टम दिखता है, एनीमिया। ठीक है, अभी एनीमिया क्यों जनरेट हो सकता है तो ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जब प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में आरबीसीज को टारगेट करना शुरू कर देता है तो आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, बराबर है। तो वो जैसे ही टारगेट करेगा हीमोग्लोबिन को तो वो हीम को अलग निकालता है, ग्लोबिन को अलग निकालता है। तो ग्लोबिन्स के जो है वो हीम के जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं, ग्रैनुल्स बनते हैं, और वहाँ से फिर हम देखेंगे हमारे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन को कम करना या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज विल लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया। समझ में आ रहा है? तो ये पांच या छह सिम्टम्स आपने यहाँ पे कंसिडर करने हैं। इसके अलावा भी थोड़े बहुत पर्सन टू पर्सन हमको सिम्टम जनरलाइज लेवल पे अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है, वो उसके लिए आप कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो ये सब हो गया सिम्टम के बारे में, क्लियर। चलो अभी हम और एक सपोर्टिव टॉपिक को यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि किसी भी पर्सन को जब सिम्टम्स पता लग जाएंगे तो फिर उस सिम्टम का डायग्नोसिस करना पड़ता है। डायग्नोसिस हम इन सिम्टम्स के बेसिस पे करते हैं, तो फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाता है ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो मलेरिया को ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, तो खास करके क्विनिन करके एक केमिकल सब्सटेंस है, जो पर्टिकुलरली सब्सटेंस जो है वो मलेरियल डोज करके यूज किया जाता है, लेकिन इसका परसेंटेज अभी जनरली बंद हो गया है। तो क्लोरोक्विन आप सुने होंगे, ठीक है, तो क्लोरोक्विन नाम का जो ड्रग है उसको हम जनरली यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए। तो समझ में आ गया, वो पर्सन के सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन। यह हमेशा कहा जाता है कि किसी भी डिसीज़ को फेस करने से अच्छा है उसको प्रिवेंट करो, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। इस स्लोगन को हम कंसिडर करते हुए यहाँ पे प्रिवेंशन के टॉपिक को हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर प्रिवेंशन में होता क्या है, तो जो चीज़ों से मलेरिया होने के चांसेस है उनको हमको अवॉइड करना है। तो जैसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे स्टॉप वाटर, अपने घर में कहीं पे भी किसी भी जगह पे जहाँ पे वाटर को हम स्टोर करते हैं, स्टॉक करते हैं, उस वाटर को हम हमेशा रिप्लेस करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे या फिर उसको निकालते जाएंगे। कंसिडर करो कि जैसे समर सीजन में हम कूलर्स लगाते हैं, तो कूलर का जो टैंक होता है अगर कूलर का यूज़ नहीं होगा तो पानी वहीं पर जमा रहता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो क्या होता है, मॉस्किटो के जो लार्वे है वो वहाँ पर ग्रो होते हैं। सो टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, मतलब क्या है,
कि स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज जहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे वाटर स्टेबल होता है, स्टेडी होता है, स्टोर रहता है, ऐसे जगह पे आप देखेंगे तो जो मॉस्किटो आती है फीमेल वो एग लेइंग करेगी। एग लेइंग करने के बाद में उसकी हैचिंग होती है और हैचिंग से वहाँ पे लार्वे जनरेट होंगे और फिर से नए 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 मॉस्किटो बनते जाएंगे। तो मॉस्किटो के क्वान्टिटी को अगर हम कम कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, हम ईजिली प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। तो इसीलिए आपने सबसे पहला उपाय यहाँ पे क्या करना है, तो स्टॉक वाटर को अवॉइड करना है, किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो। समझ में आ गया। तीसरी चीज, नेट्स या फिर क्रीम्स, ये तो अभी मार्केट में अवेलेबल है, हम लोगों को पता है, ये कॉमन चीज हम यूज करते हैं। तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करना, नेट एक ऐसा एक मेश साइज का बनता है कि उस मेश साइज का मॉस्किटो नेट अगर हम यूज़ करेंगे तो मॉस्किटो इजीली अंदर नहीं आएंगे, और मॉस्किटो ही अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं जो बाइटिंग का मैकेनिज्म था जिससे वो ब्लड सक करने की प्रोसेस काम करते थे, बाइट करके फिर पियर्स करके फिर सक करते थे, वो प्रोसेस हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। कुछ रिपेलेंट्स होते हैं कि उसके स्मेल के वजह से उस क्रीम को अगर हम हमारे बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, रब कर देते हैं, तो उसका स्मेल जो है वो मॉस्किटो को जाता है और मॉस्किटो का कहीं ना कहीं वहाँ पे रिपेलेंट प्रोसेस होती है। तो इससे क्या होगा, जो सकिंग प्रोसेस है ब्लड सकिंग की, उसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा वाला, क्लीननेस और सैनिटरी प्रोसेस। ठीक है, सैनिटरी प्रोसेस का क्लीननेस हमको यहाँ पे मेंटेन करना है, जहाँ पे वाटर को ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं कि टॉयलेट बाथरूम में वाटर का स्टोरेज करके रखते हैं हम, तो उस जगह के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रिवेंशंस लेने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जहाँ पे जनरल लोगों में अवेयरनेस किया जाता है, मलेरिया का डे भी डिस्कस किया जाता है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा मलेरिया डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, उसको मनाया जाता है, जिसके वजह से लोगों की तरफ हमेशा कोई ना कोई अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम प्लाज्मोडियम के टॉपिक को या फिर मलेरिया के डिसीज़ को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोन डिसीज में ये पहला डिसीज है जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है। तो मैं थोड़ा सा दो चार मिनट में इसको रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किए हैं, तो खास करके लाइफ साइकिल से रिलेटेड देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते थे, मॉस्किटो बॉडी रिविजन, ठीक है, मलेरिया के लिए क्या कर रहे हैं, लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉस्किटो बॉडी में क्या होता है, व्हेन इट सक ह्यूमन ब्लड द एंट्री ऑफ ब्लड विथ मीरोजॉइट्स, ठीक है, ये मीरोजॉइट्स जब स्पेशली स्टमक में एंटर होंगे, किसके, मॉस्किटो के, इनका डिफरेंशिएशन होता है मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स में। फिर हम मेल फीमेल गैमेटोसाइट का क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन दिखाएंगे, और फ्यूजन के बाद में जो रिजल्ट निकलता है उसको कहा जाता है ओवाइट। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ जाइगोट। ये कल हमने पूरा डिस्कस किए थे, ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। ये मॉस्किटो बॉडी में चलने वाली पहली स्टेज होती है, तो जो इन्फेक्ट, जो मॉस्किटो रहेगा वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए सक करता है, ब्लड सकिंग करने के बाद उसके साथ में मीरोजॉइट्स को कलेक्ट करता है। ये मीरोजॉइट स्टमक में जाएंगे, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट में डिफरेंशिएट होंगे, फिर उनका फ्यूजन स्टमक में ही होता है और फिर वहाँ से बनता है एक जायगोट जिसको हम नाम देंगे ओकाइनेट करके। फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ओकाइनेट बन गया था, अभी इसके आगे कंटिन्यू करना है। ओकाइनेट क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टमक वॉल में और फिर ये बनाता है
ओसिस्ट, ठीक है। कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि ऊ काइनेट कैसा है, ये सिंगल सेल है, ठीक है, और ये मल्टीपल। इसका डायग्राम अगर छोटा सा निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि एक वॉल के अंदर बहुत सारे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये कैसे रहेगा, ये सिंगल सेल रहेगा। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होते होते ओसिस्ट बन जाता है, और ये ओसिस्ट बनने के बाद में इट ब्रेक स्टमक वॉल एंड ओसिस्ट रप्चर। ओसिस्ट रप्चर हो गए, रप्चर होने के बाद में यहां से निकलेंगे स्पोरोजाइट। तो स्पोरोजाइट के लिए हमने क्या बताया था, अभी अभी मैंने आने आते टाइम पे बताया था, स्पोरोजाइट इज द पॉजिटिव स्टेज विच ट्रांसफर टू द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब आप देखेंगे मॉस्किटो ने फीडिंग के लिए ब्लड सकिंग की प्रोसेस स्टार्ट की वहाँ से लेके, क्योंकि उसने ब्लड सब कहाँ से किया था, इन्फेक्टेड बॉडी से, इन्फेक्टेड ह्यूमन से, जिसको हम कैरियर पर्सन बोल सकते हैं, पेशेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये इतनी सारी लंबी प्रोसेस शुरू होती गई, ठीक है, और यहाँ से फिर हम आके रुक गए स्पोरोजाइट के फॉर्मेशन तक। और ये पॉजिटिव स्टेज है, समझ लीजिए कोई मॉस्किटो अगर बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसके बॉडी में अगर ओसिस्ट ही बना है और वो डायरेक्टली अगर इंजेक्ट करता है ब्लड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई स्प्रेडिंग नहीं होगी। जब तक ये रप्चर नहीं होगा, इससे स्पोरोजाइट्स नहीं बनेंगे, तब तक आप देखेंगे कहीं पर भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए इस स्टेज को ही हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉजिटिव स्टेज करके। यहाँ पर समझ में आ गया, ये कंप्लीट प्रोसेस हो रही है मॉस्किटो बॉडी के अंदर। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या चेंज दिखेगा हमको, अगेन द सेम मॉस्किटो विच हैज द ऑलरेडी दिस नंबर ऑफ साइकल्स देयर एट दैट टाइम इट विल बाइट और इंजेक्ट स्पोरोसाइट इन द फीडिंग, ठीक है। मॉस्किटो क्या करता है, फीडिंग के टाइम पे उन स्पोरोसाइट्स को इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करने के बाद में ये आएंगे पहले ब्लड सर्कुलेशन में, फिर ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पे भेजे जाएंगे इनको, इनको भेजा जाता है लीवर की तरफ, और जैसे ही ये लीवर में एंटर होगा, तो हमने कौन सा स्टेज बताया था यहाँ पे, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ठीक है। ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करना शुरू होगा, फिर ये लीवर सेल को डैमेज करेगा एंड नाउ इट टारगेट द आरबीसी। जैसे ये आरबीसी को टारगेट करना शुरू कर देता है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। फिर ऐसा इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तीन स्टेजेस है, जैसे एक रिंग स्टेज आता है, उसके बाद में हमको पता है यहाँ पे प्रोपोजाइट स्टेज आता है। इस स्टेज को जनरली फीडिंग स्टेज कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ट्रोपोजाइट जब बनेगा तो वो फीडिंग स्टेज होता है, क्योंकि आरबीसी को जब वो टारगेट करेगा तो वहां से वो हीमोग्लोबिन को कंजम करना शुरू कर देता है, और आरबीसीज को वो टारगेट करता है और इन्फेक्ट करता है। तो जैसे ही वो हीमोग्लोबिन निकाल के यूज़ करेगा, फिर वो आरबीसी डेड हो जाएगी। फिर आपको मैंने बताया था यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिशन स्टार्ट होता है, और फाइनली हम देखेंगे यहाँ से फिर से मीरोजाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगेन इट विल कनेक्ट, अभी मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि कैसे वो कोरिलेट करता है, ये यहाँ पे आएगा। मतलब इस पर्सन के अंदर मीरोजॉइड्स बन गए जो हेल्दी पर्सन था, अभी उसी पर्सन को अगर फिर से मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो बॉडी में फिर इस तरीके की प्रोसेस शुरू होती जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा, दो तीन बार इसको स्टेप वाइज मैनर में लिखते रहना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे इजीली ये बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें खास करके ध्यान में रखना है, ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, ये फीडिंग स्टेज है,
ठीक है, और जो स्पोरोजाइड है वो कॉजिटिव स्टेज है। इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही रहेगा और डेफिनेटली होस्ट यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहेंगे। बाकी की ये जो स्टेजेस है ये आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। इसके लाइफ साइकिल, इसके सिम्टम्स, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स और जो ट्रीटमेंट्स मैंने बताया हो वो सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिए डिटेल में, अच्छा रहेगा। और इस टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज यू आर सपोज टू बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्टर्स। ठीक है, तो आज यही रुकेंगे।